नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खे चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक ऐसे उपाय के बारे में बात करेंगे जिससे आप एक सेकंड में ही खोए हुए प्यार को पा सकते हैं और अपने वश में कर सकते हैं। और वह कैसे करना है इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन दोस्तों पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में अनेक ऐसे लोग हैं जो वश में करने के या वशीकरण करने के टोटके का गलत प्रयोग करते हैं और वे अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए यह सब कुछ करते हैं, क्योंकि उनको और कोई कार्य नहीं होता। वे केवल बिना किसी कार्य किए धन कमाना चाहते हैं या किसी को बिना वजह परेशान करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, अगर आप वशीकरण टोटकों का गलत प्रयोग करते हैं तो आपको इसका गलत परिणाम भी भुगतना पड़ता है और आपको उसके साथ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए वशीकरण टोटकों का प्रयोग अपनी स्वार्थ सिद्धि छोड़कर अपनी समस्याओं को हल करने के लिए करना चाहिए। इसलिए इनका प्रयोग बिना वजह ना करें और अपनी समस्याओं को कम करने के लिए ही इनका प्रयोग करें। आगे बात करते हैं कि आपने यह टोटके आखिर करने कैसे हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि नई वीडियो के साथ आपको नई नोटिफिकेशन का पता चलता रहे। दोस्तों अपनी समस्याओं को हल करने के लिए हर कोई उपाय टोटके करता है। वश में करने के लिए आप जिसको वश में करना चाहते हैं उसकी सोचने की शक्ति को बंद कर देते हैं या आप उससे बहुत प्यार करते हैं, वह आपको छोड़ करके चला गया है और आपका फायदा उठाकर चला गया है। अगर आप अपने प्यार को वापस पाना चाहते हैं तो आपको यह उपाय करना चाहिए। वश में करने के अनेक प्रकार के उपाय टोटके विधियां हैं और अपने प्यार को पाने का यह समस्याओं को दूर करने का उपाय एक लौंग से आप कर सकते हैं। आज आप नाम से या वश में कर सकते हैं, जब आप चाहें उसे वापस बुला सकते हैं। कोई आपको परेशान कर रहा है तो उससे छुटकारा पा सकते हैं या आपके लवर आपसे दूर हो गए हैं तो उनको भी दोबारा आप पा सकते हैं। अगर आप किसी को अपनी मन की बात बता नहीं सकते और आप उसे पाना चाहते हैं तो वह भी आपसे प्यार करती है या करता है और बोलती नहीं है, इसके लिए यह टोटका अचूक है और यह उपाय आपको कल करना है। इसके लिए आप काम्या सिंदूर और एक काला लौंग, एक काला कपड़ा लेना है। और अब आपको अगर काम्या सिंदूर नहीं मिलता तो आप नॉर्मल सिंदूर भी यूज कर सकते हैं और एक पाटा ले लें, जिसे हम चौकी बोलते हैं या लकड़ी का तख्ता बोलते हैं। उस पाटे के ऊपर थोड़ा अगर आपको पाटा नहीं मिलता है तो थोड़ी सी गमले की शुद्ध मिट्टी लेकर उसको जमीन पर डाल दें और उसके बाद उसके ऊपर काला कपड़ा बिछा दें और फिर सिंदूर को गीला करके लौंग से उस काले कपड़े पर सिंदूर से उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसको आप चाहते हैं या जिसको आप पाना चाहते हैं, जिसको आप वश में करना चाहते हैं। अब आप नाम लिखने के बाद इस मंत्र का 11 बार जाप करें। मंत्र आपको बताता हूं, ओम नमो आकर्षणे कुरु कुरु स्वाहा, ओम नमो आकर्षणे कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आपने 11 बार जाप करना है और जाप करने के बाद आप इस कपड़े को फोल्ड कर लें और कील की सहायता से इसे किसी पीपल के पेड़ पर टांग दें और वहां पर आते वक्त एक दिया जलाकर आए। और आपको इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है और आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और अगर आप इस उपाय को गुप्त रूप से करेंगे, बिना किसी बताए इसको करेंगे, तो आप बहुत अच्छा
फायदा उठा सकते हैं और यह बहुत ही अचूक रहेगा और पूरी तरह से आपको यह कारगर रहेगा और इस मंत्र का आपको पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। इस उपाय को करने के लिए पूर्ण रूप से स्वच्छ होकर इसे करें और पूर्ण श्रद्धा से इसे करें और अपनी समस्याओं को हल करें और अपने प्यार को पाएं और अपने दुश्मन को हराकर उसका नाश करें या उसको अपने वश में करें या अपनी मुट्ठी में उसको कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप अपनी समस्याओं को भी हल कर सकते हैं और दुश्मन को परास्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था उपाय जिसको करके आप अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं, अपने प्यार को पा सकते हैं, अपने पति देव को दोबारा पा सकते हैं या अपनी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं और अपने शत्रु को हरा सकते हैं या उसे अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय जिनको करके आप अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं एक नया नुस्खा, नया उपाय लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।